हेलो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरे नए वीडियो में। आज हम मुनगा को किस तरह से स्टोर करके रखें, क्योंकि सीजन इसका ऑफ हो रहा है, तो हम इसको स्टोर करके कैसे रखें, हम बाद में खाने का इच्छा करें तो वही रेसिपी हम आपको बता रहे हैं। ये मुनगा देखिए मोटा मोटा हो गया है, तो अब खत्म हो रहा है, तो इसको हम फाड़ के इसको हम बरी बना के रखेंगे। इसका गुद्दा हम इस तरह से चम्मच से निकाल लेंगे। देखिए इस तरह चम्मच के सहारे से हम पूरा गुद्दा इस तरह निकाल लेंगे हम। देखिए इसी तरह से हम पूरा निकाल लेंगे फाड़कर। देखिए हम निकाल लिए हैं गुद्दा को चम्मच से, और इसमें हम बेसन या तो उड़द का दाल का पिसा हुआ बेसन हम मिला के बना देंगे बरी, और धूप में सुखाएंगे। तो हमारे पास अभी उड़द का दाल है, तो हम उसको पीस लिए हैं देखिए मिक्सी में। इसमें हम मिला देंगे हाथ को साफ कर लीजिए और हाथ से थोड़ा मिलाइए इसको, हाथ को धोकर, क्योंकि हाथ ही से मिलाना पड़ेगा। इसमें दाल भी बहुत ज्यादा नहीं डालना है। अब इसमें हम डालेंगे जीरा एक चम्मच, छोटी वाली चम्मच से एक चुटकी हींग, इसको हम मिला लें। देखिए हम सूप ले लिए हैं, ये सूप में प्लास्टिक बिछा दिए हैं, और इस पर हम बरी डालेंगे कि धूप में डालना है, इसलिए हम बर्तन लिए हैं, सूपा लिए हैं। आप कोई भी चौड़ा बर्तन ले लीजिए जिस पर डालते बने, और पानी लगाकर देखिए इस तरह से बना लीजिए गोला गोला। अब मुनगा तो बहुत फायदेमंद है पेट के लिए, बहुत फायदा करता है, तो इसको तो कभी भी आप खा सकते हैं। इसी तरह से हम पूरा डाल देंगे। ये देखिए सूखने के लिए तैयार है ये। अब जब इसको तब तक सुखाएंगे हम कि इसमें नमी न रहे, दोनों तरफ से हमको सुखाना है। ये 3 दिन में भी सूख सकता है धूप तेज रहे तो, या 4 दिन भी लग सकता है इसको सूखने में। और ये पूरा सूख जाएगा, हम इसको डब्बा में बंद करके रखेंगे जिसमें एयर न जाए अच्छे तरह से। जिस तरह से भोरा का कढ़ौरी बनता है, हम लोग तरफ कढ़ौरी बोलते हैं, आप लोग की तरफ बरी उरी बोलते होंगे, उसी तरीके से इसको बनाना है। इसको हम सब्जी में डालकर खाएंगे। चलिए अब इसको हम धूप में डालते हैं, और मैं सुखाकर दिखाती हूँ कि ये कैसा दिखता है। दोस्तों तैयार है ये मेरा बरी सूख कर। देखिये एकदम नमी बिल्कुल नहीं है दोनों तरफ से, देखिये टूट भी नहीं रहा, सूख गया एकदम। अब इसको हम स्टोर करके रख लेंगे, और जब चाहिए तब बनाकर खाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। थैंक यू।